हेलो स्टूडेंट्स, तो हमने प्रीवियस वीडियो में कैपेसिटर के बारे में कुछ चीज़ें देखी थी कि कैपेसिटर क्या होता है और एक कैसे एनर्जी को, इलेक्ट्रिक एनर्जी को होल्ड करता है अपने पास, कैसे इसका बेसिक मतलब नॉर्मल अगर हम जनरल लैंग्वेज में अगर बात करें तो कैसे काम करता है। तो अब हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कि कैपेसिटर का जो मैंने आप लोगों को एक फॉर्मूला उसका बेसिक कॉन्सेप्ट, और फिर हम अगर कोई भी कैपेसिटर है उसकी कैपेसिटी कैसे बढ़ा सकते हैं, कैपेसिटी या कैपेसिटेंस जो भी बोलना चाहें आप, उसको कैसे बढ़ा सकते हैं। तो पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जो हमने पिछला फॉर्मूला पढ़ा था, तो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि C इज इक्वल्स टू होता है Q अपॉन V, ठीक है, C इज इक्वल्स टू Q अपॉन V। तो यानी इसका मीनिंग समझ लेंगे आपको कि अमाउंट ऑफ चार्ज वी रिक्वायर टू इंक्रीज द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर बाय 1 वोल्ट, दैट वी कॉल द कैपेसिटेंस ऑफ दैट कैपेसिटर। क्या मीनिंग है इसका कि मान लो अगर हमें किसी भी कंडक्टर है, कोई भी कंडक्टर है, ये कंडक्टर है और इसका पोटेंशियल, अभी इस पर कोई चार्ज वगैरह नहीं, इसका पोटेंशियल लेट्स से इज इक्वल टू 0 है मान लो, और अगर हमें इसका पोटेंशियल 0 से बढ़ाकर 1 करना है, 0 से बढ़ाकर 1 वोल्ट करना है, तो हमें इसे कितना चार्ज देना पड़ेगा, द अमाउंट ऑफ चार्ज दैट वी गिव टू दिस कंडक्टर टू इंक्रीज इस पोटेंशियल बाय 1 वोल्ट, ठीक है। हमें इसका पोटेंशियल 1 वोल्ट से ज़्यादा बढ़ाना है, मतलब 1 वोल्ट बढ़ाना है, तो हमें इसे कितना चार्ज देना पड़ेगा, वो जितना चार्ज देना पड़ेगा वो इसका कैपेसिटेंस कहलाएगा। तो यहाँ पर भी अगर देखो आप, अगर आप V की जगह 1 लिख दो तो C इज इक्वल्स टू Q के बराबर हो जाएगा, यानी जितना चार्ज हम उसको देंगे वही उसका क्या हो जाएगा, कैपेसिटेंस हो जाएगा। तो यानी ये थोड़ा सा फ़र्क है बस इसमें कैपेसिटर और कंटेनर में, जो अभी हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में एग्जांपल के तौर पर, कि एक इसलिए हमने इसको कैपेसिटी नहीं बोला, हमने इसको कैपेसिटेंस बोला, ठीक है। कैपेसिटेंस यानी कितना चार्ज दे रहे हो आप कंडक्टर को ताकि उसका पोटेंशियल 1 वोल्ट इंक्रीज कर जाए। तो जितना भी चार्ज, अब ये कंडक्टर पर अलग अलग डिपेंड करता है, ठीक है, कि किसी को हमें 5 वोल्ट देना पड़ जाता है, फाइव कूलम देना पड़ता है, किसी को हम 100 कूलम देना पड़ता है और उसका पोटेंशियल 1 वोल्ट बढ़ेगा। तो इट डिपेंड्स नाउ जितना चार्ज हमें देना पड़ेगा, जितना ज़्यादा चार्ज देना पड़ेगा 1 वोल्ट बढ़ाने के लिए, उसकी कैपेसिटी, उसका कैपेसिटेंस उतना ही ज़्यादा होगा। तो ये हमने इसका मीनिंग समझा। अब मान लेते हैं कोई भी कंटेनर है, कोई भी कैपेसिटर है हमारे पास, उसका कैपेसिटेंस कुछ हमें गिवन है, तो अगर हमें उसे इंक्रीज करना है तो हम कौन कौन से मेथड यूज़ करेंगे, ये जानने से पहले हम पहले क्या समझेंगे कि कोई भी एक हमारे पास स्फीयर है तो उसका कैपेसिटेंस कितना होगा। तो हम एक स्फीयर का कैपेसिटेंस समझने की कोशिश करेंगे। एक बात हो, आने वाले जितने वीडियोज़ होंगी या आप लोगों के, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने एग्ज़ाम में कुछ भी कैपेसिटेंस से रिलेटेड, आपको बस एक ही फंडामेंटल अपना आप दिमाग में डालना है, सिंपल ये, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। और जो मैंने आपको समझाया, ये C इज इक्वल टू क्यू अपॉन V, कहीं पर भी कैपेसिटेंस का कितने से भी कितना ख़तरनाक क्वेश्चन हो, आप लोगों को बेसिक चीज़ यही समझनी है क्यू अपॉन V। अगर आपको ये पता है और इसका बेसिक फंडामेंटल पता है कि ये कहाँ से जनरेट हुई थी चीज़ें जो कि हमने पिछली वीडियो में डिस्कस करी थी, तो आप लोग कोई भी कितना भी ख़तरनाक क्वेश्चन हो आप लोग उसको कर लोगे, आराम से कर लोगे बिना किसी और बंदे के हेल्प के, अगर आप थोड़ा दिमाग नहीं, अगर फिर भी कोई क्वेश्चन नहीं होते तो आप अपने गाइडेंस ले सकते हैं, ठीक है। अब इसे क्या बोल रहा हूँ मैं, कभी भी आपको सी किसी भी चीज़ का कैपेसिटेंस निकालना है तो आप लोगों को 2 चीज़ें मालूम होनी चाहिए, 1 इज चार्ज एंड अनदर इज पोटेंशियल, दैट इज़ अ वी, बस और कुछ नहीं। तो अभी हम जो चीज़ करने वाले हैं, हम क्या करने वाले हैं, ये ड्राइव करने वाले हैं एक एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटेंस ऑफ आ
स्फीयर, कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फीयर, कोई भी एक स्फीयर है उसका हम कैपेसिटेंस निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। बहुत इजी है, दो लाइन का क्वेश्चन है, ठीक है। आप लोगों को, अगर आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ तो आप लोगों को बहुत इजी हो जाएगा। लेट से मान लेते हैं कि शिप, ये मान लो कि कोई आप लोगों के पास क्या है, एक स्फीयर है जिसकी रेडियस है आर, कैपिटल आर मान लो, स्मॉल आर मान लो, जो भी आप लोगों को मान लो, कोई और वेरिएबल देना है वो मान लो। ये इसका कोई भी एक स्फीयर है, स्फीयर तो पता ही होगा आप लोगों को, स्फीयर जैसे कि आप लोगों की फुटबॉल होती है बिल्कुल गोल। अब यहाँ पर तो ये सर्कल दिखेगा लेकिन ये स्फेरिकल है, बिल्कुल गोल अंदर से हो, बिल्कुल खोखला। तो ये कंडक्टिंग है, कंडक्टर का बना हुआ है, बिल्कुल कंडक्टर का बना हुआ एक स्फीयर है। अब हम देखना चाहे कि कोई भी एक स्फीयर है उसकी रेडियस आर है तो उस पर कितना चार्ज हम दे सकते हैं, उसका कैपेसिटेंस कितना होगा, ठीक है। तो देखते हैं, तो अब इसके लिए हमने क्या करा, हमने ये इसकी रेडियस आर मान ली, और लेट से मान लेते हैं हमने इसको चार्ज दे दिया क्यू, क्यू हमने इसको चार्ज दे दिया, ठीक है। नाउ अब आप लोगों को पता है, अगर आपको किसी भी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस निकालना है देन आपको दो चीज़ें पता होनी चाहिए, एक क्यू और एक वी। बस अभी तो बताया, क्यू आपको पता है कि हमने इसको चार्ज क्यू दिया, अब हम ये देखना चाह रहे हैं इसका कैपेसिटेंस मतलब कितना है, ठीक है। तो अगर आप इसको चार्ज दे रहे हैं क्यू और इसका पोटेंशियल वी हो जाता है, तो क्यू चार्ज देने पर इसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा, उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, हमने करा हुआ, ठीक है। तो इसका पोटेंशियल हो जाएगा 1/4πε0 क्यू अपॉन आर, ये हमने करा हुआ, ठीक है। कोई भी, देखो सुनो मेरी बात, अगर नहीं पता है तो मेरी बात सुनो ध्यान से, कोई भी एक पॉइंट है यहाँ पर क्यू चार्ज रखा हुआ और इससे आर दूरी पर यहाँ पर कितना पोटेंशियल होगा, इतना। कोई भी एक चार्ज क्यू रखा हुआ इससे आर दूरी पर यहाँ पर कितना पोटेंशियल होगा, इतना। वी इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू अपॉन आर, ठीक है, इस तरह पोटेंशियल होगा। अब हम सी निकालना है तो ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर सकते हैं, तो सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन वी, और वी की वैल्यू ये 1/4πε0 क्यू अपॉन आर, क्यू से क्यू कैंसिल और ये पूरा का पूरा पोर्शन चल जाएगा ऊपर, तो सी इज इक्वल टू बन जाएगा 4πε0 आर। देखो कितना ईजी, एक ये डेरिवेशन है एक, जिससे हम डरते हैं, हम एक वर्ड सुन लेते हैं डेरिवेशन और हम इससे डर जाते हैं। बहुत सिंपल है, मैं आप लोगों को पता, कितना भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो आप लोगों को बस एक ही चीज़ ध्यान रखनी है, बेसिक्स, और कैपेसिटर के केस में सिर्फ एक फॉर्मूला ये, दैट्स इट। इन मोस्ट ऑफ द केसेस यू विल फाइंड दैट यू कैन सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, दैट्स इट। और कहीं ना कहीं अगर कोई और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन भी होगा तो कहीं ना कहीं इसी फॉर्मूले का यूज़ हो रहा होगा, अदरवाइज और कुछ नहीं हो रहा होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा सी इज इक्वल टू 4πε0 आर। नाउ अभी इसके बाद, तो यानी हम क्या समझ में आया, अगर कोई भी हमारे पास एक स्फीयर है जिसकी रेडियस आर है, कोई भी हमारे पास स्फीयर है जिसकी रेडियस आर है और उसको हम चार्ज दे रहे हैं, तो वो उसका कैपेसिटेंस कितना होगा, उसका कैपेसिटेंस है सी इज इक्वल टू 4πε0 आर, दैट्स इट, इतना उसका कैपेसिटेंस होगा, इतना ही। अब क्यों पढ़ा हमने ये, मैंने आप लोगों को इसलिए पढ़ाया ताकि हम एक चीज़ को जान सकें, हमारी धरती माता को, उसको हमें कंडक्टर के तौर पर, जो धरती है हमारी, अर्थ है हमारी प्यारी धरती माता, अगर हम, वो भी तो एक स्फीयर ही है लगभग, अगर उसको हम एक स्फीयर मान लें और हम चाह रहे हैं कि वो, उसको हम बिल्कुल इतना बड़ा एक स्फीयर कंसिडर करें जितनी बड़ी हमारी अर्थ है, और अगर हम उसको चार्ज दें, उसको हम अगर चार्ज दें तो कितना हमें, मतलब कितना उसका कैपेसिटेंस होगा, तो अगर उसको हम देखेंगे तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो हमें क्या पता होना चाहिए, सिंपल दो चीज़ें, 4 की वैल्यू पता है, पाई की वैल्यू पता है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पता है हमें, परमिटी सॉरी और रेडियस ऑफ अर्थ,
हमें पता होना चाहिए। अगर हम इसको अर्थ मान लें, अर्थ मान लें, तो हमें रेडियस ऑफ अर्थ पता है कितना है। रेडियस ऑफ अर्थ लगभग लगभग है 6400 किलोमीटर के आसपास, याद रखो इसको, 6400 किलोमीटर के आसपास। तो अगर आप इसमें सी में ये वैल्यू पुट करते हैं, तो सी कैपेसिटेंस, ऑफ अर्थ की बात करें, जब अर्थ एयर में या वैक्यूम में रखी हुई है, वैक्यूम में ही है वैसे भी, तो क्या हो जाएगा, 4πε0, और यहाँ पर लिख दीजिए आप 6400 किलोमीटर है, मीटर में चेंज करेंगे हम इसको, इतना। तो आप लोगों के पास जो आंसर आएगा वो मिलेगा आप लोगों को। अच्छा, आप लोगों को एक बात और बता देता हूँ, 1/4πε0 की वैल्यू क्या आती है, 9 × 10⁻⁹, तो अगर मैं इस पूरे वैल्यू, इसकी वैल्यू लिखूँ, तो ये हो जाएगी 9 × 10⁻⁹ × 6400। जब आप इसको सोल्व करेंगे, देन यू विल फाइंड 7 × 1 μF, आपको लगभग ये आंसर मिलेगा, 7 × 1 μF, ठीक है। इसका मीनिंग क्या हुआ, यानी इतनी बड़ी अर्थ, इतनी बड़ी अर्थ अगर उसको चार्ज देते हैं, तो उसका भी कैपेसिटेंस 1 F भी नहीं है, 1 F, माइक्रो का मीनिंग पता है ना, 10⁻⁶, लिख देता हूँ, चलो −6 F, ठीक है, माइक्रो में 10⁻⁻, इतनी बड़ी अर्थ उसका भी कैपेसिटेंस इतना नहीं है। तो भाई फैरड इतनी बड़ी यूनिट है, तो अगर फैरड इतनी बड़ी यूनिट है, तो इन मोस्ट ऑफ द केसेस हम क्या करते हैं, माइक्रो ही फैरड को यूज़ करते हैं, माइक्रो फैरड हमारी प्रैक्टिकल यूनिट हो जाती है कैपेसिटेंस को यूज़ करने की। नाउ अब इतनी बड़ी अर्थ है, यानी इतना बड़ा कंडक्टर तो हम बना नहीं सकते भाई, अर्थ पर रहकर हम अर्थ से बड़ा स्फीयर बनाएंगे और उसको फिर यूटिलाइज करेंगे, लेकिन हमने इलेक्ट्रिकल सर्किट में देखा ना, कैपेसिटेंस ना इतने से उतने छोटे छोटे से, और वो भी क्या होते हैं, 0.5 μF, 2 μF के, 3 ऐसे ऐसे होते हैं, 3 μF के, 2.5 μF के, वो इतने होकर, छोटे से होकर भी इतना चार्ज होल्ड कर रहे हैं, ठीक है, और इतनी बड़ी अर्थ इतना कर रही है, ऐसा कैसे हो सकता है। तो हमने क्या करा, जब हमें पता लगा कि भाई ये तो इतने कैपेसिटेंस कोई भी कंडक्टर ज़्यादा चार्ज होल्ड ही नहीं कर पा रहा है, तो फिर हमने अपना दिमाग लगाना स्टार्ट किया हुआ, और हमने क्या किया, नए नए तरीके निकालने स्टार्ट करे कि भाई कैसे हम किसी भी एक कंडक्टर को, ठीक है, कंडक्टर की यानी एक कैपेसिटर की कैपेसिटेंस, उसका कैपेसिटेंस बढ़ा सकते हैं, हाउ कैन वी डू दैट। तो अगर आप लोगों को किसी भी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस बढ़ाना है, तो देन यू हैव टू वर्क ऑन टू थिंग्स, व्हाट आर दिस, और आप लोगों को इसी फॉर्मूले से पता लगेगा कि वो क्या है, ये दो क्या हैं, एक है आर यानी रेडियस, और एक है आप लोगों का ε0, दैट इज परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। अब परमिटिविटी ऑफ द मीडियम एंड आर, अगर आप लोगों की परमिटिविटी बढ़ जाए तो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा, अगर रेडियस बढ़ जाए तो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। रेडियस बढ़ने का मतलब है एक स्फीयर अर्थ पहले इतनी थी और बड़ा स्फीयर लेना, तो भाई ये तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। यानी अगर आप लोगों को कैपेसिटेंस बढ़ाना है, तो आप लोगों को रेडियस और परमिटिविटी दोनों बढ़ाना पड़ेंगी, लेकिन रेडियस बढ़ाना तो यानी चीज़ को और बड़ा करना, कोई चीज़ इतनी है इतनी बड़ी करनी, तो ये हमारे फेवर में नहीं था। तो हमने ज़्यादा से चीज़ें इसको चेंज करके, इस वाले मेथड को, परमिटिविटी को चेंज कर थोड़ा सा हमने इससे हमने चीज़ें गेन करी हैं, इससे हमने नए कैपेसिटर बनाए, और इस चीज़ से नई नई टेक्नोलॉजी बनी है। तो
हम बेसिकली क्या करने वाले हैं, जब भी हमें कैपेसिटर की कैपेसिटेंस चेंज करना है, उसको बढ़ाना है, तो कर तो हम दोनों चीज़ें सकते हैं, रेडियस भी चेंज कर सकते हैं, यानी ज्योमेट्री। रेडियस का मीनिंग हुआ ज्योमेट्री, यानी जो भी आप लोगों के पास कैपेसिटर गिवन है। देखो कैपेसिटर ना, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर भी सुनोगे आप, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर सुनोगे, स्फेरिकल कैपेसिटर। मैंने स्फेयर का एग्जांपल इसलिए लिया ताकि आप लोगों को अर्थ वाला एग्जांपल समझ में आ जाए, ठीक है। अदरवाइज स्फेरिकल सिलिंड्रिकल सारे के सारे कैपेसिटर करते हैं कि प्रिंसिपल पे काम है ना। और एक काम कर सकते हैं मीडियम को चेंज करके। अब मीडियम को चेंज हम करेंगे तो ये कैसे करेंगे और ये कैसे करेंगे, तो दो चीज़ें, मीडियम को चेंज करना है तो हमने सिर्फ दो चीज़ें समझी है इसमें, ध्यान से। क्या? अगर आप लोगों को कैपेसिटर का कैपेसिटेंस चेंज करना है, दो चीज़ें चेंज कर सकते हैं हम, उनमें चेंजेस ला सकते हैं, कम ज़्यादा करना है। एक तो ज्योमेट्री चेंज कर दो उसकी, ज्योमेट्री में डिफरेंस ले आइए, कुछ भी अलग कर दीजिए। और एक आप जिस मीडियम में वो कैपेसिटर रखा हुआ या उसके आसपास का, उसके सराउंडिंग का मीडियम चेंज कर दीजिए, ठीक है। मीडियम चेंज करने से क्या होगा, आप बिल्कुल फंडामेंटल पे चलते हैं। मैंने क्या कहा था, कैपेसिटेंस क्या है कि भाई ये ज़्यादा चार्ज होल्ड कर सकता है, मैं इसको चार्ज दे रहा हूँ, जा रहा हूँ, इसका पोटेंशियल बढ़ रहा है और इतना बढ़ जाएगा कि आसपास का उसे जो भी मीडियम होगा उसके मॉलिक्यूल्स के इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने लग जाएगा, उनको आयनाइज कर देगा, ठीक है, और फिर चार्ज लीक होने लग जाएगा। अगर पहले मेरे पास एयर थी, अगर मैं कुछ और मीडियम रख दूँ, ग्लास रख दूँ, पाउडर रख दूँ, कुछ कोई भी पेपर रख दूँ, तो भाई उनके इलेक्ट्रॉन्स को निकालना तो थोड़ा और डिफ़िकल्ट होगा या इजी डिफ़िकल्ट कुछ भी होगा एज़ कम्पेयर टू एयर। तो यानी हमें और ज़्यादा पोटेंशियल बढ़ाना पड़ेगा उनको निकालने के लिए, यानी मैं और ज़्यादा चार्ज दे सकता हूँ। कहने का मीनिंग ये है, अगर एयर है आप लोगों की, अगर इसको 100 वोल्ट पर इसके इलेक्ट्रॉन निकल जा रहे थे, तो हो सकता है कि आप लोगों का जो पेपर है, अगर मैं इसके चारों तरफ पेपर रख दूं, ठीक है, और पेपर के बीच में ये रख दूं या कोई पाउडर के बीच में इसको रख दूं, तो पेपर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इसके पास आएँ 200 वोल्ट पर मे बी। और 200 वोल्ट बढ़ाने पर, पोटेंशियल बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मेरे को इसमें और चार्ज दे सकता हूँ, और चार्ज देने का मीनिंग क्या होता है, कैपेसिटेंस बढ़ेगा, सिंपल सी बात है ना। तो यानी देखो चीज़ों को ना बेसिक्स तरीके से समझना बहुत ईजी ज़रूरी है, अदरवाइज न्यूमेरिकल्स हम क्वेश्चन करते हैं, पढ़ते हैं फॉर्मूलास, बच्चे सोचते हैं कैपेसिटेंस बस एक ही चीज़ है, क्या ये फॉर्मूला, दैट्स इट, बात कैपेसिटेंस पढ़ लिया हमने, सी इज़ इक्वल टू क्यू अपॉन वी एंड वी आर डन। हमें कैपेसिटेंस के बारे में सब कुछ पता है, कैपेसिटर के बारे में सब कुछ पता है, नहीं भाई, इनके बेसिक्स रूट मीनिंग पर जाओ, तब आप लोगों को कुछ क्वेश्चन आप बहुत इजीली क्वेश्चन करने जाते हो तो समझ नहीं आता कि वो क्वेश्चन में बोल क्या रहा है, वो क्या बोल दिया उसने, वहाँ पर जो लिखे हुए हैं पोटेंशियल डिफरेंस कुछ भी ऐसे वर्ड्स हैं उनके मीनिंग समझ में नहीं आते हमें। तो भाई वो इसलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा नहीं है उस तरीके से, आप तो सिर्फ कैपेसिटेंस को इतना लेके चल रहे हैं बस, ये बोलना क्या चाह रहा, मीनिंग क्या है इसका कुछ नहीं पता, इससे कोई लेना देना नहीं है आप लोगों को, बस दैट्स इट। हम फॉर एग्जाम में अगर कहीं भी कैपेसिटेंस आया तो हम इसको सी इज़ इक्वल टू क्यू अपॉन वी लिख देंगे, और अगर क्वेश्चन में आप लोगों को सी इज़ क्यू और वी कहीं कुछ भी ऐसा दिखा तो आप वही वैल्यू पुट करके आंसर निकाल के ले आएंगे, चाहे उसमें लिखा क्वेश्चन में कुछ भी लिखा हो बस, और फिर घर आकर चेक करेंगे या तो आप लोगों ने गलत कर दिया, एंड देन यू विल नॉट गेट द मार्क्स। तो चीज़ों को समझ के करने की कोशिश करो, देन यू विल फाइंड फिजिक्स वेरी इजी। क्यों आप लोगों को फिजिक्स बहुत इजी लगने लग जाएगी, क्योंकि ये चीज़ें हमारे आसपास होंगी, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, डेफिनेटली है, और हर बच्चे को इसमें इंटरेस्ट आ सकता है अगर वो इन चीज़ों को थोड़ा सा समय दे, बस समझने की कोशिश तो करो, नहीं आएगा तब देख लेना बाद में, पर एक बार कोशिश तो करो। तो मैंने बस इस वीडियो में सिर्फ इतना समझाया आप लोगों को, इस फॉर्मूले का मीनिंग और एक ये कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फीयर। अब हम किसी भी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कैसे बढ़ाएंगे, मैंने आप लोगों को तरीके बता दिए, अब इनको प्रैक्टिकली यूज़ कैसे करेंगे, दिस वी विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो। तो नेक्स्ट वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, उसमें हम अलग अलग चीज़ें बताएंगे आप लोगों को कि कैसे हम ज्योमेट्री को चेंज करके कुछ कर सकते हैं और मीडियम को चेंज करके कैपेसिटेंस बढ़ा सकते हैं।
सो थैंक यू सो मच टू वॉच दिस वीडियो, और अगर पसंद आए तो शेयर कर देना और वीडियोस पूरी देखा करें। थैंक यू सो मच।